हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स फैशन सीक्रेट में। तो आज हम एक जीन्स टॉप बनाने वाले हैं। उसके लिए मैंने ये प्लेन कॉटन का फैब्रिक लिया है, जो कि मैंने 1.5 मीटर लिया है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करें, मैंने क्या किया, यहाँ पर फैब्रिक को इस तरह से फोर फोल्ड कर दिया है। अभी हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारी जीन्स टॉप की रेडी लेंथ होगी, उसकी लेंथ हम यहाँ पर मेजर करेंगे ना, उसके अकॉर्डिंगली कपड़ा जो है वो हम अभी कट कर लेंगे। तो आपने देखा है, मैंने फोर फोल्ड फैब्रिक लिया है, फोल्डेड साइड से मैं मार्किंग कर रही हूँ। तो टोटल रेडी लेंथ जो होगी वो 25 इंचेस है, एंड 25 इंचेस पर मैंने इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बनाकर ये वाला फैब्रिक जो है वो अभी कट कर दिया। अब हम अपर पार्ट की मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ से अभी लेंथ चेक करेंगे, 25 आ रही है। यहाँ पर हम लेंगे शोल्डर का हाफ, यानी कि 7 इंच। फिर यहाँ से नीचे की तरफ लेंगे आर्मोल का हाथ, वो भी लेंगे हम 7 इंच। ठीक है, शोल्डर एंड आर्मोल जितना भी है उसका हाफ आपको यहाँ पर ले लेना है। फिर अभी हम लेंगे चेस्ट का 1/4। चेस्ट हमारी 34 है, तो उसका 1/4 हो गया 8.5, एंड प्लस 1.5 इंच पर मार्जिन। इस तरह से दो निशान लगाया। फिर यहाँ से नीचे 14 इंच पर हमारी कमर आएगी, तो कमर का पॉइंट लगा दिया, एंड कमर हमारी है 30 इंच, तो उसका 1/4 7.5 इंच, एंड प्लस 1.5 इंच का मार्जिन। इस तरह से दो निशान वापस लगाया, एंड इस तरह से ज्वाइन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जितना भी हमारा रहेगा वो हम इतने यहाँ पर इतना ही ले लेंगे, हिप का 1/4 एंड 2 इंच का मार्जिन। इस तरह से हम नीचे की तरफ लेंगे हिप का मेजरमेंट, एंड यहाँ से क्या करेंगे, 2-3 इंच ऊपर की तरफ इस तरह से मार्क करेंगे, एंड हल्का सा राउंड शेप जो होता है हमारा, वो राउंड शेप मतलब कर्व शेप होता है, वो शेप हम यहाँ पर दे देंगे। तो इस तरह से ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हल्के हैंड से आर्मोल ड्रॉ कर लेते हैं राउंड शेप देते हुए। फिर नेक की विड्थ जो है वो मैं ले रही हूँ यहाँ पर 2.5 इंच, एंड नेक की हाइट जो होगी वो मैं ले रही हूँ यहाँ पर 6 इंच। मेरा फ्रंट एंड बैक दोनों सेम ही रहेगा, मैं दोनों सेम ही नेक जो है वो कट करने वाली हूँ, एंड यहाँ पर मैं सिंपली इस तरह से राउंड शेप दे दूंगी फ्रंट एंड बैक दोनों के लिए सेम। यहाँ पर 1/2 इंच के मार्जिन से हम एक स्लांट मार देंगे, जो कि हमारे कंधे का तिरछापन होगा। अब हम करेंगे कटिंग, तो यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, और फिर ये वाला कर्व इस तरह से कट कर लेना है। तो आप लोग देख सकते हैं, हमने यहाँ पर जो है वो इसकी कटिंग कर दी है। तो टॉप पार्ट हमारे दोनों भी यहाँ पर कट हो चुके हैं। अब हम करेंगे स्लीव्स की कटिंग। तो स्लीव्स के लिए हमने क्या किया, इस तरह से फैब्रिक लिया है। ये हम एल्बो स्लीव्स इसमें बनाने वाले हैं, तो उसके लिए हमने 4/4 लिया है, जिसकी लेंथ है 11 इंच, जो ये बनकर 10 इंच की रेडी होगी। एक साइड हम लेंगे आर्मोल का हाफ, यानी कि 7 इंच, और 1.5 इंच का मार्जिन, और एक तरफ लेंगे हम स्लीव्स का ओपन 5 इंच। ठीक है, यहाँ से 5 इंच और उसका 1.5 इंच का मार्जिन। तो इस तरह से दो पॉइंट्स लगाए, ये वाला हम इस तरह से क्रॉस निशान लगा देंगे, उसके बाद इस वाले कॉर्नर से 2.5 इंच नीचे की तरफ मार्क करेंगे यहाँ पर, और 1.5 इंच नीचे की तरफ और एक मार्क करेंगे इस तरह से, और स्ट्रेट लाइन बना देंगे। फिर उसके बाद जैसे हमारे स्लीव्स का कर्व शेप रहता है वैसा शेप हम यहाँ पर दे देंगे, एंड इसके अकॉर्डिंगली अब हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग कर देंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो आप लोग देख सकते हैं स्लीव्स भी हमारी कट हो चुकी है। अब हम करेंगे स्टिचिंग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टॉप पार्ट इस तरह से अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर एक पार्ट हम ले लेंगे। तो एक पार्ट में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम नेक की फिनिशिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने इस तरह से 1.5 इंच की पट्टी निकाली है नेक की, ये हम इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे, एंड 1/2 इंच के मार्जिन से यहाँ पर सिलाई लगा देंगे, एंड पट्टी को बाद में अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। दोनों पार्ट्स में आपको इसी तरह से पट्टी लगाकर नेक की फिनिशिंग कर लेनी है। तो आप लोग देख सकते हैं हमने नेक की फिनिशिंग कर दी, एंड अब हम करेंगे शोल्डर ज्वाइंट। तो दोनों पार्ट्स को एक के ऊपर एक इस तरह से रखने के बाद 1/2 इंच के मार्जिन से सिलाई लगा देंगे। तो ये शोल्डर हमारे ज्वाइंट हो चुके हैं। अब हम लगाएंगे स्लीव्स। तो स्लीव्स को हमें क्या करना है, इस तरह से एक साइड पे डबल फोल्ड करना है, दूसरी साइड जो स्लीव्स का सेंटर होगा वो हम शोल्डर के सेंटर पर रखकर पूरे हाफ राउंड में इस तरह से 1/2 इंच के मार्जिन से पूरे राउंड में सिलाई लगा देंगे। तो ये एक स्लीव्स हमारी इस साइड जॉइंट होगी, एंड दूसरी स्लीव जो है वो हमें इस साइड इसी तरह से ज्वाइंट कर लेनी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब स्लीव्स ज्वाइंट हो जाए तब हमें इसकी प्रॉपर फिटिंग कर देनी है। मतलब कि जैसा जितना हमने मार्जिन लिया था उतना मार्जिन हम यहाँ पर माइनस करेंगे। समझ लीजिए कि जिस तरह से ये हमारी अभी स्लीव्स लग गई, तो अब क्या करेंगे, स्लीव समेत हम क्या करेंगे, यहां से लेके यहां नीचे तक इसकी फिटिंग कर देंगे। ठीक है, और इस साइड भी हम क्या करेंगे, इस तरह से ये हमारे स्लीव्स लग जाने के बाद स्लीव्स के साथ साथ हम हिप राउंड तक इसकी फिटिंग कर देंगे। एंड नीचे की तरफ हम क्या करेंगे, यहां पर इस तरह से डबल फोल्ड पट्टी बनाएंगे, एंड दूसरे वाले पार्ट में भी इसी तरह से डबल फोल्ड करेंगे, एंड देन ये टॉप जो है वो बिल्कुल भी रेडी हो जाएगा।